Good afternoon, everybody. Today, my topic is aims and objectives of plant breeding. So, first is, what is plant breeding? Plant breeding is the science of changing the traits of plants in order to produce desired characteristics. It has been used to improve the quality of nutrition in products for humans and animals. Plant breeding जो है वो science की वो branch है जिसमें हम लोग plants के traits की study करते हैं. पहले तो traits means उनके characteristics कि जैसे plant की height कैसी है, plant की nutritional quality कैसी है, plant की का जो growing period है वो कैसा है, ये सब उसके traits में हम लोग consider करते हैं. पहले प्लांट के ट्रेट्स को चेंज करने के लिए, प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उसके नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि हम उनमें किस तरह से चेंज लाएं और उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स की नीड्स के लिए. सो दिस इज नोन एज प्लांट ब्रीडिंग. Next is the aims and objectives. So why there is a need of plant breeding? So here are the following points. To increase the yield of plant means plant ki yield ko increase karne ke liye, plant ki number ko increase karne ke liye, this is one of the aim of plant breeding. Isiliye hum log plant breeding jo hai wo perform karte hain. Next is to improve the quality. प्लांट की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए. थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मींस अगर किसी प्लांट में, हमारे प्लांट में जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, अगर उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल है, अगर उसमें कोई हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट है, तो कोशिश रहती है ब्रीडर्स की कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसके जेनेटिक मेकअप में ऐसा चेंज लाया जाए ताकि वो जो प्लांट है वो जो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है आगे चलकर उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दे. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस. कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाती हैं या कुछ ऐसे पैथोजेंस या इंसेक्ट्स हो जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को हिंडर करते हैं, मीन्स कि प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो हमने प्लांट को इस तरह से उसके करेक्टर, उसके ट्रेट को चेंज करना है ताकि जो प्लांट है वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए. बायोटिक स्ट्रेस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक मीन्स लिविंग. सो इसमें हम लोग पैथोजन और उस वैक्टर, उस इंसेक्ट की बात करते हैं जो आगे चलकर प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है. और एबायोटिक स्ट्रेस में हम लोग नॉन लिविंग स्ट्रेस की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे प्लांट को हीट टॉलरेंट बनाना है, प्लांट को लेस वाटर कंडीशंस में टॉलरेट करने की कैपेसिटी देनी है ताकि वो ऐसी कंडीशन में ग्रो कर जाए जहां पर पानी की शॉर्टेज है. थर्ड इज जैसे कि बहुत सारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो ज्यादातर आइस से ढके रहते हैं एरियाज, ऐसे एरियाज में हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो दीज ऑल आर द एबायोटिक स्ट्रेसेस. नेक्स्ट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अगर हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट ग्रो करने के लिए और हार्वेस्टिंग ग्रोइंग पीरियड अगर हमारी क्रॉप का जो है वो बहुत ज्यादा है तो हम उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन में हम उसका टाइम पीरियड कम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रॉप है वो ग्रो करने के लिए पूरे मैच्योर होने के लिए वो 120 डेज ले रही है, तो विद द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हम उस क्रॉप के मैच्योरिटी टाइम को कम कर सकते हैं. वही क्रॉप जो अभी पहले 120 दिन में मैच्योर हो रही थी, अब वही क्रॉप जो है पूरे 100 दिन में मैच्योर हो जाएगी. दैट मीन्स इट विल टेक ओनली 100 डेज. सो दिस इज मैच्योरिटी ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स कि प्लांट की
मैच्योरिटी पीरियड को के डेज को कम कर देना. सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी, सिंक्रोनाइज्ड मीन्स सेम. सो इसमें ये एप्लीकेशन रहती है हमारी प्लांट ब्रीडिंग की, ये ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग में कि हर एक प्लांट, एक क्रॉप में हर एक जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो सेम रहे, उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी सेम रहे, ताकि जब उसका मेजॉरिटी पीरियड चल रहा है उस टाइम पर उसकी ग्रोथ में, क्रॉप की ग्रोथ में कोई भी कम या ज़्यादा ना हो. सभी प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द मेजॉरिटी पीरियड सेम रहे, ताकि हार्वेस्टिंग में एक ही टाइम पर जो क्रॉप है वो पूरी तरह से हार्वेस्ट कर ली जाए. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी मीन्स जब प्लांट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लांट जो है वो ग्रोथ को हिंडर कर देता है, मीन्स प्लांट अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर देता है और वो उसको अब प्लांट की ग्रोथ उस अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं हो पाती है. सो कभी कभार ये डॉर्मेंसी जो है वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी होती है, और कभी कभार ये जो डॉर्मेंसी है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल भी हो सकती है. सो विद द इन्वायरमेंटल कंडीशन हम ये एम रहता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग में कि हम ये देखें कि हमने प्लांट की कब प्लांट को हमने डॉर्मेंसी प्रोवाइड करनी है और कब हमने प्लांट की डॉर्मेंसी को एलिमिनेट करना है. सो नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन इन क्रॉप्स. सो पॉलिनेशन एक सबसे बड़ा मेथड है जिसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में लेकर चलते हैं. सो वॉट इज सेल्फ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है प्लांट का, और स्टिग्मा जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है. सो जब सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर है, उसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में रिप्रोडक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग वीट और राइस की. वीट की क्रॉप में और राइस की क्रॉप में, मीन्स पैडी में, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होती है. नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हेन वन प्लांट पॉलिनेट्स अ प्लांट ऑफ अनदर वेराइटी. द टू प्लांट्स जेनेटिक मटीरियल कंबाइंस एंड द रिजल्टिंग सीड विल हैव characteristic of both varieties. For example, in pumpkin. Cross pollination, self pollination के बिल्कुल opposite है. वहाँ self pollination में जो reproduction थी वो flower के same parts में हो रही थी, लेकिन cross pollination में जो reproduction है, means की जो pollen grains जो है वो stigma तक जाएंगे, वो between two different flowers होगा. मतलब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को जाकर पॉलिनेट करेंगे. सो इसमें टू प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए जो न्यू वेराइटी आएगी उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे. फ्रॉम वन प्लांट एंड ऑल्सो फ्रॉम अनदर. सो जो वैरायटी इसमें प्रोड्यू आएगी, जो प्रोजेनी इसमें आएगी, हम उसको बोल सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स. सो पंपकिन में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकती है.